नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुछ कूल वेक्टर आर्ट्स बनाना चाहते हैं और टेक वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे दोस्त वैभव कपूर के चैनल का लिंक मिलेगा। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप डेली अपडेटेड रहे नए टेक वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है प्लीज़ उसे दबाना ना भूलें। प्लीज़ आप वैभव कपूर को हेल्प करें उसका चैनल ग्रो करने में। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्मार्ट लॉक के बारे में बताऊँगा जो खुद का पासवर्ड खुद ही चेंज कर सकता है। उसका पासवर्ड सिर्फ आप ही याद कर सकते हैं, कोई यार आपके फ़ोन को नहीं खोल पाएगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर ओपन कर लें, वहाँ पे आप सर्च करें स्मार्टफोन लॉक। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1.87 MB का ये ऐप है, 4.3 की इसकी रेटिंग है और इसका आइकॉन तो देख सकते हैं आप। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करने का इसे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद एक्टिवेट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दीजिए। मैं क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो आप उसे पढ़ने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते ही आपसे आपको ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के बारे में पूछेगा, जो आपका कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमेशा के लिए रहे। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ और आपको यहाँ पे नीचे एक अल्टरनेट नंबर डालना है, जिससे अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये इस पर एक SMS सेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट 1234 और उसे वेरीफाई भी कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, 12 आवर पिन, 24 आवर पिन और डेट पिन। तो मैं फिर 12 आवर पिन को ऑन कर देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उस लॉक को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको अपनी लॉक स्क्रीन के लिए कुछ कस्टमाइजेशन मिलेंगे, जैसे कि लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड वगैरह, कलर्स वगैरह, तो आप ऐसे कस्टमाइज कर देते हैं। चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैं अपने फ़ोन को लॉक करने के बाद अनलॉक करूँगा, यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो आपका पासवर्ड होगा। जैसे यहाँ 6:48 हुआ तो मैं उसको डाल दूंगा। तो 0648 में टाइप जैसे ही करूँगा फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन का पासवर्ड हर एक मिनट में बदलता रहेगा ताकि कोई और आपके फ़ोन को खोल ना सके। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते तो अपना एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी डाल सकते, जो कि 1234 मैंने डाला था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को भले नहीं कीजिए पर वैभव कपूर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको मम्मी की कसम है। दोस्तों प्लीज़ वैभव कपूर को हेल्प कीजिए उसका चैनल ग्रो करने में। धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ आप वैभव कपूर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।